आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून क्लास, वी विल स्टार्ट विद द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कहाँ तक हुआ था? फोर। तो व्हाइट बोर्ड हम शेयर करते हैं, वहां से लिख लो। ठीक हो, स्टार्ट करो। ओपन योर कॉपी। चैप्टर टू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज मोर कॉमन। क्वेश्चन लिख लो तुम लोग कॉपी में। अच्छा, बोर्ड सबको दिख रहा है ना? अगर दिख रहा है ऐसे करो, हम सब दिखाओ। दिख रहा है ना सबको? ओके चलो स्टार्ट करो। द ड्रिंकिंग वाटर शिवम लिख रहे हो ना? कॉमन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। राइट प्रोपोर्शन, कॉल्ड बैलेंस डाइट। नेक्स्ट पैरा चेंज करके ये लिखोगे? एक टू टेल बैलेंस डाइट फॉर वेरियस एनर्जी एंड प्रॉपर मैम, हाँ बोलो। आप यहाँ पे डी डबल ई क्यों? मैम डी ई होता है मैम कहाँ डी डबल ई मैम ई 5 में मैम डी डबल ई पी सी एन सी का हाँ, स्पेलिंग ये गलत हो गया है, एक हो गई। यस मैम। हाँ ही होगा यहाँ पे, सॉरी। ये हो जाएगा तो बोलना। अस्मित का हो गया है।
ओके अच्छा, नेक्स्ट पेज नंबर ये हो जाएगा, तो पेज नंबर 33 ओपन करना, पेज नंबर 33, उसको सॉल्व करो। लिस्ट एग्जांपल ऑफ फूड आइटम बिलोंगिंग टू डिफरेंट फूड ग्रुप्स। बुक में देखो पेज नंबर 33 में दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, इसको फील करो, ये और ये नीचे फिल करो, हम आंसर बताते हैं फिर। यस बताओ शिवम, अनम्यूट योर सेल्फ, बिल्कुल बोलो, अनम्यूट करो। नहीं मैम, क्वेश्चन आंसर फोर जो क्लास में लिखवाई थी वो उतना ही है। अच्छा क्या 1 to 4 तो लिखवा दिए हैं? आंसर फोर जो बताई थी उतना ही है क्लास में जो लिखवाई थी। हाँ उसका उतना ही है, ये 5 का है, 5 6। म्यूट योरसेल्फ, ये हो गया है तो हम इसको स्टॉप करें शेयरिंग, क्या किसी का बाकी है? ओके अब स्टॉप शेयरिंग करें, अनम्यूट करके बताओ, यस क्या किसी का बचा हुआ है? मैम, यस मैम, नो ओके, मैम, जिन लोगों नो का बचा, जिन लोगों का बचा हुआ है, कंप्लीट इट, कंप्लीट फास्ट। ये पेज जो है इसको कंप्लीट करो, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स, प्रोटीन रिच फूड आइटम्स, फूड आइटम रिच इन फैट्स, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स, फूड आइटम दैट प्रोवाइड मिनरल्स एंड विटामिन्स, इसको पहले करो। समथिंग टू डू 1, पेज नंबर 33। अब एक एक करके आपको बता, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम में क्या क्या होगा? शिवम कुमार अनम्यूट योर सेल्फ, शिवम कुमार अनम्यूट योर सेल्फ, यस मैम। बताइए यहाँ पे क्या होगा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड में, क्या क्या हो सकता है? बोलो कार्बोहाइड्रेट रिच में क्या होगा? जो सोर्सेस होगा कार्बोहाइड्रेट का वही होगा, राइस। फ्रूट हाँ तो क्या क्या नाम बताओ? मटर, ये राइस, हाँ राइस, रोटी, पोटैटो। शुगर, ठीक यस मैम। है, और कौन बताएगा? म्यूट कर लो अपना। सुचित्रा रानी अनम्यूट योरसेल्फ, और क्या होगा कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेस?
मैंगो, बनाना, पोटैटो, व्हीट, राइस। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, राइस लिखो, पटैटो, राइस, पटैटो, शुगर, स्वीट पटैटो, चपाती। ये पेंसिल से फील करो, राइस, शुगर, स्वीट पटैटो, पटैटो और चपाती। ठीक है, नेक्स्ट हमको प्रोटीन्स रिच बताओ कोई। एवरीबॉडी स्विच ऑन योर वीडियो, वीडियो ऑफ नहीं करो, ऑन करके रखो। प्रियांशु, प्रियांशु अनम्यूट योर सेल्फ। प्रोटीन रिच सोर्सेस बताओ। मैम सोयाबीन, एग, पल्स, मीट, फिश। फिश, हाँ वेरी गुड। ओके म्यूट योर सेल्फ। तो यहाँ पे लिखो दाल लिख सकते हो, दाल, बीन्स, मटन, फिश एंड एग्स, सोयाबीन भी होगा। दाल, सोयाबीन्स, मटन, फिश, एग्स। नेक्स्ट है फूड आइटम रिच इन फैट्स, इसमें क्या क्या होगा। कौन बताओगे? आकांक्षा कुमारी, अनम्यूट योरसेल्फ। आकांक्षा बताओ, फैट रिच फूड्स। वाटर, घी, नट्स, वेजिटेबल ऑयल, ड्राई फ्रूट्स। ओके तो क्या क्या लिखोगे? बटर, घी, बटर एंड घी, मटन, फ्राइड चिप्स और नट्स। ठीक है, नेक्स्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स, ये तो सब कर पाओगे। डेयरी मतलब मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट में क्या क्या होगा? कर्ड, पनीर, चीज, घी, बटर। मिल्क, कर्ड, बटर, चीज, पनीर एंड घी। हो गया। नेक्स्ट फूड आइटम दैट प्रोवाइड मिनरल्स एंड विटामिन्स, फूड आइटम दैट प्रोवाइड मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो विटामिन्स किसमें रहता है? स्पिनच में रहता है विटामिन ए, तो स्पिनच होगा, ऑरेंज होगा, कैबेज होगा। स्पिनच, ऑरेंज, कैबेज, मैंगो, लेमन, रेडिश, फिश। ठीक है, स्पिनच हो जाएगा, ऑरेंज, कैबेज, मैंगो, लेमन, रेडिश एंड फिश। जहाँ पे सारा कंपोनेंट्स के बारे में बताया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वहां पे भी तुम लोगों को सोर्सेस मिल जाएगा, वहां से भी लिख सकते हो। तो ये हो गया सबका। नेक्स्ट ये वाला करो, ये एक्टिविटी करो। ब्रेकफास्ट में तुम क्या क्या खाते हो, लंच में क्या खाते हो, डिनर में क्या खाते हो, इसको कंप्लीट करो। ठीक है, ब्रेकफास्ट में क्या खाते होगे? चपाती एंड वेजिटेबल। ठीक है, चपाती एंड वेजिटेबल। नेक्स्ट में लिखो ब्रेड, मिल्क, बटर, ब्रेड एंड बटर, मिल्क। ठीक है, इसमें क्या क्या हो गया? चपाती, वेजिटेबल्स, ब्रेड एंड बटर, मिल्क। ऑमलेट भी लिख सकते हो या एग। नेक्स्ट लंच में लिखो, क्या लिखोगे? लंच में क्या क्या खाते हो? राइस, चपाती, दाल, वेजिटेबल, सलाद, कर्ड। और भी जगह है तो राइस, पनीर, सलाद, कर्ड, ये भी लिख सकते हो, राइस, पनीर, सलाद, कर्ड।
अब डिनर में चले आओ, डिनर में क्या क्या खाते हो? राइस या चपाती, दाल, वेजिटेबल, सलाद, कर्ड? राइस, चपाती, दाल, वेजिटेबल, सलाद एंड कर्ड। ठीक है, और एक बार रिपीट कर देते हैं, देख लो। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स, इसमें क्या क्या लिख सकते हो? राइस, पटैटो, शुगर, चपाती, स्वीट पटैटो। नेक्स्ट, प्रोटीन रिच में देखो, दाल, सोयाबीन्स, मटन, फिश, एग्स। फिर था फूड आइटम्स रिच इन फैट्स, बटर, घी, मटन, नट्स, फ्राइड चीज। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या था? मिल्क, कर्ड, चीज, बटर, घी। फूड आइटम दैट प्रोवाइड मिनरल्स एंड विटामिन्स, स्पिनच, कैबेज, ऑरेंज, लेमन, रेडिश, फिश। फिर ब्रेकफास्ट में बटर, ब्रेड एंड बटर, मिल्क, एग। लंच में राइस और चपाती, दाल, सलाद, कर्ड, वेजिटेबल। डिनर में राइस और चपाती, दाल, वेजिटेबल, कर्ड। फ्रूट जूस भी लिख सकते हो। हो गया ना सबका? ओके, शौर्या बुक दिखा था अपना। अच्छे से दिखाओ, नहीं दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, सीधा करो। बैक कैमरा ऑन करके दिखाओ। ऑन योर बैक कैमरा। नहीं हो हो रहा है। ओके, हो खोलो। गया मैम। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, बस करो। अच्छा, होमवर्क दिए थे ना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या लॉन्ग दिए थे? अनम्यूट योरसेल। होमवर्क क्या था? शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सर, आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन ओके, आंसर शॉर्ट ही पूछते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं शॉर्ट। मैम। यस ठीक है, मैम। देखिए पहले पूछते हैं, रुको। उत्कर्ष कुमार, अनम्यूट योरसेल। यस मैम। तुम बताओ, टू सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अभी हम बताते हैं। कार्बोहाइड्रेट
अभी हम लिखा है ना कुछ सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आइटम्स फूड आइटम्स यस मैम आप बताओ जल्दी फास्ट नेक्स्ट बताओ सुचित्रा अनम्यूट योरसेल्फ यस मैम तुम बताओ थ्री मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी थ्री मिनरल्स आर आयरन कैल्शियम एंड आयोडीन ओके वेरी गुड म्यूट योरसेल्फ नेक्स्ट आतिफ बताओ आतिफ अनम्यूट योरसेल्फ यस मैम तुम बताओ फुल फॉर्म्स ऑफ पीईएम पीसीएम PEM प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन PCM प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन ओके नेक्स्ट बताओ इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर डाइट कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी ओके म्यूट योरसेल्फ नेक्स्ट हमको कुणाल बताओगे कुणाल अनम्यूट योरसेल्फ यस मैम तुम बताओ लॉन्ग क्वेश्चन याद है नो मैम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए बताओ एप्पल एप्पल है और ये कॉड लीवर ऑयल सर्क बटर घी कॉड लीवर ऑयल बटर एंड घी स्पिनच भी बोल सकते हो इसमें ज्यादा रहता है फिर बताओ आकांक्षा अनम्यूट योरसेल्फ यस मैम टू सोर्सेस ऑफ विटामिन सी क्या जी मैम टू सोर्सेस ऑफ विटामिन सी विटामिन सी लेमन आमला लेमन है लेमन एंड ऑरेंज आमला भी होगा सही बोल रही थी ओके म्यूट योरसेल्फ नेक्स्ट हमको बताओ निहाल अनम्यूट योरसेल्फ यस मैम बताओ टू सोर्सेस ऑफ आवर फूड नेम टू सोर्सेस ऑफ आवर फूड Two sources of our food. The two important sources of the food are plant sources and animal sources. Okay, mute yourself. Next, Ayush Raj, unmute yourself. Yes, ma'am. Name the vitamin whose deficiency causes night blindness, peri peri, scurvy, and rickets. Ma'am, night blindness, vitamin A, beri beri, vitamin B, scurvy, vitamin C, and rickets, vitamin D. Okay, very good. Mute yourself. Next, Shivam Kumar, and mute yourself. Yes, ma'am. Name two sources of fats. Ma'am, what ma'am? Name two sources of fats. Ma'am, cheese. Ma'am, cheese. Next. Paneer. इसमें ज़्यादा fat रहता है वो बताओ. Butter and ghee. चीज में होगा यस मैम विजय कुमार अनम्यूट योरसेल्फ विजय कुमार अनम्यूट योरसेल्फ यस मैम बताओ स्टेट द रोल ऑफ द कैल्शियम कैल्शियम इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ Mute yourself.
Next, Priyanshu. Unmute yourself. Switch on your video. Priyanshu. Priyanshu, unmute yourself. Yes, ma'am. Batao, three minerals needed by our body. Three minerals needed for our body are iron, calcium, iodine. Okay, very good. Mute yourself. Next time, batao. Ayush Kumar, unmute yourself, Ayush Kumar. Yes, ma'am. The importance of carbohydrate in our diet. Carbohydrates provide energy to our body. Carbohydrate? Provide energy to our body. Okay, very good. अच्छा कॉपी में सबका हो गया है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मेरा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं हुआ मैम यस मैम मेरा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर लोगे और इसके बाद हम दिखाते हैं पेज नंबर ये ओपन करो पेज नंबर मैम कल हम क्लास ज्वाइन नहीं हुए थे मैम तो कल हम आंसर क्वेश्चन नहीं लिखे थे कल ऑनलाइन क्लास मेरा कहा था मैम कल आपका नहीं था ऑफलाइन ऑफलाइन में लिखा मैम पेज नंबर 33 का नहीं ना करना है कॉपी में एक मिनट रुको पेज नंबर 23 में देखो यहाँ पे विटामिन्स सोर्सेस ऑफ विटामिन्स फंक्शन एंड डेफिशिएंसी डिजीज है ये पूरा चार्ट कॉपी में लिखोगे लॉन्ग क्वेश्चन के बाद पूरा यस ठीक है इतना सोर्सेस नहीं लिखना है ओनली टू और थ्री सोर्सेस लिख सकते हो फंक्शन लिखना है डेफिशिएंसी पूरा लिखना है ओके मैम ठीक है यस मैम और फिर देखो मिनरल्स का भी है मिनरल्स का भी टेबल लिखना है मिनरल्स का भी टेबल है ये यस मैम यहाँ पे सोर्सेस लिखोगे वही टू और थ्री फंक्शन पूरा लिखोगे ठीक है ये भी हो रहा है यस मैम यस मैम ठीक है तो लॉन्ग क्वेश्चन के बाद विटामिन्स का टेबल और मिनरल्स का टेबल सोर्सेस में बहुत सारा दिया हुआ है दो या तीन लिख सकते हो फंक्शन लिखोगे और डेफिशिएंसी डिजीज विटामिन्स का है तो उसका लिखोगे तो ये करके कंप्लीट रखना कॉपी ओके मैम देखेंगे क्लास में ऑनलाइन क्लासेस में ओके मैम ओके मैम बाय 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 मैम थैंक यू मैम